साल 1983, समुद्र के बीचों बीच नाव से कुछ डाइवर्स ने अरेबियन सी में छलांग लगाई। वो समुद्र की गहराइयों में कुछ ढूंढने जा रहे थे। गहरे समुद्र में सतह से कई मील नीचे उन डाइवर्स को कुछ ऐसा मिला जो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था। एक विशाल नगरी, देखने में ऐसा लग रहा था मानो आज के समय की कोई अर्बन सिटी समुद्र के नीचे बसी हो। ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियां, महल और एक पूरा वेल प्लान्ड शहर। समुद्र के अंदर ऐसी नगरी देखकर वो सारे डाइवर्स हैरान हो गए। पत्थरों के सैंपल्स लेकर उनकी जांच करने पर पता चला कि ये पत्थर महाभारत के समय के हैं और ये वो नगरी है जिसके बारे में महाभारत में भी बताया गया है। ये कहानी है श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की। विष्णु जी के चार धामों में से एक द्वारका, गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में अरब सी के किनारे बसा एक छोटा सा शहर, जहां हजारों कृष्ण भक्त दूर दूर से प्रभु की सिर्फ एक झलक देखने को आते हैं। भागवत पुराण के 10वें सर्ग के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण पूरे यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। कंस की मौत से क्रोधित होकर उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर हमला बोल दिया। एक के बाद एक जरासंध ने मथुरा पर 17 बार हमला किया। इन लगातार हमलों से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर कहीं और जाना ही सही समझा। उन्होंने समुद्र के ऊपर एक विशाल नगरी के निर्माण का आदेश दिया, लेकिन समुद्र देव की आज्ञा के बिना ये मुमकिन नहीं था। तब श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना की। समुद्र देव ने प्रसन्न होकर समुद्र के बीच श्री कृष्ण को 12 योजन धरती प्रदान की। इसी धरती पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका का निर्माण किया। द्वारका एक वेल प्लान्ड सिटी थी जो आज के ज़माने की अर्बन प्लानिंग्स को भी मात दे सकती है। सड़कें, सोने के महल, बड़े बड़े दरवाजे, बगीचे, तालाब और सब कुछ एक बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ बनाया गया था। नगर के बीचों बीच था श्री कृष्ण का महल, जो यहाँ की सबसे खूबसूरत इमारत थी। जब ये नगरी बनकर तैयार हो गई, तब श्री कृष्ण अपनी योग माया से अपने परिवार के साथ पूरे यादव वंश को मथुरा से द्वारका ले आए और इसके बाद उन्होंने मथुरा जाकर जरासंध और काले वंश से युद्ध किया। विजयी होने के बाद श्री कृष्ण द्वारका नगरी को लौट आए और अपने परिवार के साथ खुशहाली से रहने लगे। लेकिन जिस प्रकार इस धरती पर जन्म लेने वाला हर जीव सुख और दुख के बीच बंधा होता है, वैसे ही श्री कृष्ण भी इस चक्र का एक हिस्सा थे। कुछ समय बाद पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में अहम भूमिका निभाई। 18 दिनों तक ये भीषण युद्ध चलता रहा, जिसमें आखिर पांडवों की जीत हुई। महाभारत के स्त्री पर्व के अनुसार जब कौरवों की माता गांधारी ने अपने पुत्रों के मृत शरीर देखे, तो उन्होंने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। जिस तरह उनके पुत्रों और वंश का आपस में युद्ध करके विनाश हुआ, उसी प्रकार ठीक 36 साल बाद श्री कृष्ण के वंश का भी विनाश होगा। श्री कृष्ण ये जानते थे कि उनके वंश का विनाश आपस में लड़कर ही होगा, इसीलिए उन्होंने इस श्राप को हंसकर स्वीकार कर लिया। लेकिन माता गांधारी के श्राप के साथ एक और श्राप था जो यादव वंश के सर्वनाश का कारण बना। एक बार द्वारका के निकट बसे एक पवित्र स्थल पिंडारक में कई बड़े साधु संत पधारे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उनके कुछ दोस्तों ने ऋषि मुनियों के साथ शरारत करने की एक योजना बनाई। सांब एक गर्भवती स्त्री का भेष धरकर ऋषि मुनियों के सामने पहुंचा और उनसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। ऋषि मुनि अपना मजाक उड़ते देख क्रोधित हो गए और उन्होंने उन लड़कों को श्राप दे दिया कि सांब एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। जब उन लड़कों ने देखा तो सांब के कपड़ों के अंदर सच में एक लोहे का मूसल मिला। श्री कृष्ण के नाना जी राजा उग्रसेन को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने उस मूसल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे समुद्र में फेंक दिया। ये टुकड़े एक मछली ने निगल लिए। ये मछली मछुआरों के जाल में जा फंसी और जब उसको चीरा गया तो उसके पेट से वही लोहे के टुकड़े निकले। एक शिकारी ने वो टुकड़े निकालकर जहरीले तीर बनाने में इस्तेमाल कर लिए, लेकिन टुकड़े होकर खत्म हो जाने के बाद भी ये लोहे का मूसल यदुवंश के विनाश का कारण कैसे बन पाया? 36 साल बीत चुके थे,
और माता गांधारी के श्राप के साकार होने का समय आ गया था। यदुवंशी नशे और मदिरा की लत में धुत हो चुके थे। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे से ही लड़ना शुरू कर दिया। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि यादव वंश में अंदर ही अंदर युद्ध होने लगे। श्री कृष्ण के पुत्रों ने भी आपस में युद्ध करना शुरू कर दिया। एक एक करके पूरे वंश का विनाश हो गया। और तो और बलराम जी ने भी धरती का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण ने जब ये देखा तो वे भी पास ही एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उसी समय जरा नाम के एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया। ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले टुकड़ों से तीर बनाया था। वो जहरीला तीर श्री कृष्ण के पैर में जाकर लग गया और इसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस लोक को छोड़कर अपने धाम लौट गए। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वो दौड़े दौड़े द्वारका पहुंचे, जहां का दृश्य देखकर उनका दिल दर्द से कांप उठा। पूरी द्वारका अग्नि की चिता में जल रही थी, लेकिन अर्जुन ने होश संभाला और श्री कृष्ण से किए वादे के अनुसार सभी औरतों और बच्चों को वहां से सेफली बाहर निकाला। खाली होते ही द्वारका नगरी देखते ही देखते कुछ ही पलों में समुद्र के आंचल में समा गई और श्री कृष्ण की ये द्वारका हमेशा के लिए अरब सागर में कहीं खो गई। वर्तमान में द्वारका को दो हिस्सों में बांटा गया है, द्वारका और बेट द्वारका। द्वारका समुद्र के किनारे बसा एक शहर है और बेट द्वारका समुद्र के बीच बसा एक द्वीप। कई सालों तक पुराणों में कथित द्वारका को सिर्फ एक कहानी और झूठ मानकर निगलेक्ट किया गया। काफी ढूंढने के बाद भी ऐसा कोई सबूत नहीं था जो हमारी पौराणिक कथाओं में बसी इस खूबसूरत नगरी के असली होने का प्रूफ दे सकता था। 1930 में खोज शुरू हुई और बेट द्वारका के आइलैंड के कई रिमेन्स मिले। 1963 में यहाँ पहला आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन किया गया जिसमें कई सारे पुराने आर्टिफैक्ट्स और मूर्तियां भी मिली। इन फाइंडिंग से एक इंटरेस्टिंग थियरी सामने आई जिसके मुताबिक श्री कृष्ण द्वारका से अपने पूरे राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे और बेट द्वारका में अपने परिवार के साथ रहते थे। इसके बाद साल 1983 से 1990 के बीच एक अंडरवाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस आर राव और उनकी टीम इस मिशन को पूरा करने के लिए आगे आई। पानी के अंदर बहुत दिनों तक ढूंढने के बाद उन्हें पानी के नीचे एक अद्भुत नगरी के अवशेष मिले। उस नगर की दीवारों की मजबूत नींव के साथ कई पत्थर, खंबे, मूर्तियां, इरिगेशन सिस्टम और भी बहुत कुछ। लेकिन आखिर इस बात का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता था कि पानी के अंदर ग्राउंड लेवल से कई गुना नीचे जो रुइंस मिले वो श्री कृष्ण की नगरी द्वारका के ही थे। इस बात की पुष्टि करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने उन पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकालने का फैसला किया। कार्बन डेटिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एक पत्थरों की पॉसिबल एज निकाली जाती है। डॉक्टर नरहरि आचार्य ने महाभारत में मेंशन ग्रहों की स्थिति और एस्टेरॉइड्स की जानकारी से ये कैलकुलेट किया कि महाभारत का युद्ध 3126 BCE में हुआ था। महाभारत के हिसाब से द्वारका का निर्माण भी द्वापर युग में ही हुआ था और इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग निकालने के बाद पता चला कि ये पत्थर उस समय से काफी क्लोजली रिलेटेड है। लेकिन पत्थर तो किसी भी समय के हो सकते हैं, तो फिर इस बात का स्ट्रॉन्ग एविडेंस कैसे कंसिडर किया जा सकता है? और इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र के अंदर मिली इस नगरी का एरिया नापना शुरू किया और सरप्राइजिंगली इस एरिया का मेजरमेंट था 12 योजन, जो कि भागवत पुराण के हिसाब से उस धरती का माप था जो श्री कृष्ण को द्वारका के निर्माण के लिए समुद्र देव ने प्रदान की। सिर्फ यही नहीं, स्थान पर बड़ी संख्या में लंगर भी पाए गए, जिससे ये पता चलता है कि द्वारका एक ऐतिहासिक पोर्ट था जहां से भारत दूसरे देशों से सालों तक व्यापारिक संबंध एस्टेब्लिश करता रहा। फंड्स की कमी के कारण ये एक्सकेवेशन यही रुक गया, लेकिन 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे फिर शुरू किया और आज भी ये एक्सकेवेशन जारी है। एक थियोरी के मुताबिक आज से 3500 साल पहले जिस जमीन के टुकड़े पर द्वारका नगरी बनी थी वो समुद्र के सतह पर हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे सी लेवल बढ़ा श्री कृष्ण की ये नगरी पानी में डूब गई। लेकिन फिर सवाल ये भी है कि सी लेवल धीरे धीरे बढ़ता है और महाभारत के महाप्रस्थानिका पर्व के अनुसार अर्जुन की आंखों के सामने द्वारका के तट से टकरा रही लहरों ने एक पल में पूरी द्वारका को अपने बहाव में समेट लिया।
आज कई लोग महाभारत और रामायण, भगवान विष्णु के धरती पर जन्मे अवतार और बाकी पौराणिक कहानियों को एज अ मिथ कंसिडर करते हैं। लेकिन सिर्फ द्वारका ही नहीं, बल्कि ऐसी और भी बहुत डिस्कवरीज है जो ये प्रूव करती है कि इस धरती पर इंसानों का एग्जिस्टेंस सिर्फ हड़प्पा मोहनजोदारो के समय का नहीं, बल्कि उससे भी हजारों वर्ष पहले का है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि और किस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं। ऐसी ही अनसुनी, अनकही और अनदेखी कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वन।